हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है। हम सबको मीठा खाने का मन होता है, लेकिन कई बार मिठाई सही तरीके से नहीं बनती और वह नरम या सख्त हो जाती है। आज मैं आपको बर्फी बनाने का ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिसमें मिठाई का परफेक्ट टेक्सचर बनेगा। इस मिठाई की खासियत यह है कि हमने चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसे डायबिटिक लोग भी आराम से खा सकते हैं। मिठाई बनाने के लिए पहले एक कप मखानों को ड्राई रोस्ट करें। मखाने खाना सेहत के लिए काफी लाभदायक है। मखानों को 2-3 मिनट सेकने के बाद इसमें 1/4 कप कटे हुए बादाम डालें। यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप कटे हुए काजू मिलाएं, 1/4 कप कटे हुए अखरोट डालें। अब इनको 4-5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें। ड्राई रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट के अंदर का मॉइस्चर निकल जाएगा, जिससे मिठाई लंबे समय तक चलेगी और जल्दी खराब भी नहीं होगी। इन सबको 4-5 मिनट सेकने के बाद एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दें। अब उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज डालें, 2 बड़े चम्मच सफेद तिल डालें। सर्दियों में इन्हें खाने से हमें गर्म तासीर मिलती है। 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज डालें, 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज डालें। इन्हें 3-4 मिनट के लिए सेक लें। आपके घर में जो भी सीड्स अवेलेबल हो आप वही डालें, इससे स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। ये चारों विटामिन, प्रोटीन और ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत हैं। 3-4 मिनट में अलसी, तिल सब ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें ड्राई फ्रूट में मिला दें। ठंडा होने के बाद बारीक पीस लें। अब बारी है मिठाई के लिए चाशनी बनाने की। उसके लिए नॉनस्टिक पैन में 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गुड़ डालें। गुड़ में 6 बड़े चम्मच केसर भिगोया पानी डालें। आप चाहे तो बगैर केसर के भी सादा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर केसर महक के लिए यूज की है। गुड़ और पानी को धीमी आंच पर पकाएं। इस मिठाई को बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे। अगर आप सही माप से कोई भी मिठाई बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। इस बर्फी में 2 कटोरी ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए 1 कटोरी गुड़ लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड़ पूरी तरह पिघल चुका है। अब मिठाई में थोड़ी चमक लाने के लिए 2 बड़े चम्मच घी डालें और अच्छे से मिला लें। महक के लिए 1/2 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर डालें। अब फ्लेम बंद करके पिसा हुआ ड्राई फ्रूट पाउडर गुड़ की चाशनी में मिलाएं। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। इस बर्फी की खासियत यह है कि बिना एक तार की चाशनी बनाए ये तैयार हो जाती है। थोड़ा घुमाने से ही बर्फी का मिश्रण साइड्स छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हैं कि यह गूंदे हुए आटे की तरह लग रहा है। एक बात हमेशा ध्यान दें कि बर्फी को ज्यादा देर भी नहीं घुमाएं, वरना बर्फी सख्त बनेगी। अब बर्फी जमाने के लिए एक थाली पर घी फैला लें। सर्दियों में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स के आइटम बनते हैं, जैसे खुराक या मांजून जिसमें आटा और गोंद का प्रयोग होता है, और मुठिया या लड्डू जिसे आटे की पिन्नी से बनाया जाता है। इन दोनों की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब मिठाई के मिक्सचर को थाली में अच्छी तरह फैला लें। स्पैटुला की मदद से मिठाई के मिक्सचर को एकसार करें। स्पैटुला नहीं हो तो आप छोटी कटोरी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिठाई को आप अपनी मनचाहे कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। ताजी मिठाई पर ही चाकू से निशान लगा लें और 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। 1 घंटा हो गया है, बर्फी सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बर्फी का टेक्सचर कितना परफेक्ट बना है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।